हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दो बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। दोनों अपडेट के बारे में बताऊंगा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं और कहां कहां से अपडेट निकल के आ रहे हैं। अगर आप भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। एनपीए कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ खंड पंचरुखी के प्रधान दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से एनपीएस कर्मचारियों के लिए केंद्र की वर्ष 2009 की अधिसूचना लागू करने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। उन्होंने बताया कि नई अधिसूचना से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है तथा सेवाकाल के दौरान मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पेंशन का प्रावधान तक नहीं है, जबकि 2009 की अधिसूचना में मृत्यु या अपंगता पर पुरानी पेंशन लाभ देने का प्रावधान है। सरकार इसे प्रदेश में भी जल्द बहाल करे। उन्होंने कहा कि केंद्र के लाभ न मिलने से आज एनपीएस कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी विरोधी है। इस योजना में कर्मचारियों को मात्र 500 या 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, जबकि इसमें किसी कारणवश कार्यरत कर्मचारी की डेथ होने पर दिव्यांग परिवारों को कोई भी वित्तीय लाभ का उल्लेख नहीं है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यत्व दिवस पर 25 जनवरी को अरसे से लंबित कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करने का अनुरोध किया। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है राजस्थान के सवाई माधोपुर से। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सांसद से मिले कर्मचारी, सौंपा ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर न्यू पेंशन एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले गुरुवार को प्रदेश सचिव विनोद बारवाल के नेतृत्व में कर्मचारियों का एक दल टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया से मिला। संगठन के जिला आईटी प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि सांसद जोनापुरिया को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि 2003 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर केंद्र के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों व अर्धसैनिक बलों के लिए पहले से लागू पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर न्यू अंशदायी पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो पूर्णतः शेयर मार्केट पर आधारित है। इसके दुष्परिणाम कर्मचारी व अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद देखने को मिल रहे हैं। आज न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाला लोक सेवक सेवानिवृत्त होता है तो उसकी मासिक पेंशन 900 रुपए से 1200 रुपए तक निर्धारित हो रही है। केंद्र के दबाव में ही राजस्थान सरकार ने भी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त लोक सेवकों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू कर भविष्य अंधकार में व असुरक्षित बना दिया। इन सब को देखते हुए देश व प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलन के चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत ही गुरुवार को सांसद जोनापुरिया से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को संसद में पुरजोर तरीके से उठाने व केंद्र सरकार के समक्ष नवीन पेंशन योजना के दायरे में आ रहे कार्मिक का मजबूत पक्ष रखने की मांग की। त्रिलोक मीणा, ओम प्रकाश बनोटा, दामोदर देसरा, चौधरी शैलेश जैन सहित कई कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित थे। तो फ्रेंड्स, ये दो अपडेट निकल के आ रहे थे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इस तरह के पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।